हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, मैं नीता भटनागर आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको हिंदी लिटरेचर का पार्ट तीन वेनिस का व्यापारी पढ़ाऊंगी। सच्चा मित्र ईश्वर द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है। आपने मित्रता के ऊपर कई कहानियां पढ़ी होंगी। प्रस्तुत रचना अंग्रेजी के साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की रचना पर आधारित है। इस कहानी में सच्ची मित्रता के ऊपर बताया गया है कि बुद्धिमानी से किस तरह कोई भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। यूरोप महाद्वीप में एक देश है इटली। इटली में वेनिस नामक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था। उसका नाम था शाइलॉक। वह बहुत क्रूर था और लोगों को ब्याज पे पैसा देता था। इतना क्रूर था वह कि लोग उससे घृणा करते थे। उसी देश में एक युवा व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था एंटोनियो। वह स्वभाव से बहुत दयालु तथा धनी था। वह जहाज में सामान ले जाने का व्यापार करता था। सब लोग उससे बहुत प्रेम करते थे और उस सच्चे मित्र तो सभी के होते हैं, इसलिए उसका भी एक सच्चा मित्र था। उसका नाम था बेसानियो। बेसानियो को कुछ धन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए बेसानियो एंटोनियो के पास आया और उससे कुछ धन की मांग की, क्योंकि वह विवाह करना चाहता था, इसलिए उसको उसके लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। पर उस समय एंटोनियो के पास धन नहीं था, पर उसने सच्ची मित्रता का ध्यान रखते हुए उसने शाइलॉक से कुछ ऋण लेने का विचार किया। उसने वो ऋण लेने के लिए शाइलॉक के पास गया। शाइलॉक ने बोला, मैं आपको एक शर्त पर ऋण दे सकता हूँ कि आपको समय पर सारा धन मेरा चुकाना होगा। उसने बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर शाइलॉक ने बोला कि अगर आपने समय पर धन ना चुकाया तो मेरी एक शर्त है कि आपको अपने कलेजे से एक पाउंड मांस का टुकड़ा मुझे देना होगा। यह शर्त अगर आपको मंजूर है तो आप मुझसे ऋण लीजिए। अब एंटोनियो करता क्या न करता, उसको अपने मित्र के बारे में सोचना था। उसने ऐसा ही करा, उसने शाइलॉक से ऋण लिया और इस शर्त पे कि वह अपने कलेजे का एक मांस टुकड़ा दे देगा। उसने एंटोनियो को वह धन दिया। एंटोनियो बेलमांड किया और उसने पोर्शिया नामक एक सुंदर युवती से विवाह किया। अब शाइलॉक का धन चुकाने का समय आ चुका था। उसने एंटोनियो से धन की मांग करी, पर उस समय उसके पास धन नहीं था, क्योंकि उसके सारे जहाज दो जो माल ले जाते थे वह डूब गए। उसका व्यापार खत्म हो चुका था। एंटोनियो ने बेसानियो को पत्र लिखा। उसमें उसने बोला कि मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए तुम मुझसे मिलने आ जाओ। उसने शर्त बताई कि उसने ऋण लिया था शाइलॉक से, जिसमें एक पाउंड मांस का टुकड़ा उसको उसे देना था। बेसानियो पत्र पढ़कर बहुत रुआंसा हो गया। उसका मन बहुत भारी हो गया। उसने अपनी पत्नी पोर्शिया को कहा कि एंटोनियो इस समय बहुत बड़े संकट में है। पोर्शिया बहुत नेक दिल स्त्री थी। उसने बेसानियो को बोला कि उसने मुसीबत के टाइम पे तुम्हारी मदद करी थी, अब हमारा समय है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मेरे पास कुछ धन तथा गहने हैं, यह लेकर जाओ और उसकी मदद करो। एंटोनियो सारा धन लेकर वेनिस रवाना हो गया। इधर वेनिस में एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा शुरू हो गया था।
लोगों ने बहुत दया की अपील करी शाइलॉक से कि वह एंटोनिया का ऋण माफ कर दे, पर शाइलॉक था वह टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वह तो उसके कलेजे का 1 पाउंड मांस लेना चाहता था, वह तो उसको जान से मारना चाहता था। तभी न्यायालय में एक आत्मविश्वास से भरे हुए वकील ने प्रवेश किया। उसने एंटोनियो से पूछा, क्या यही शर्त थी तुम्हारी जो शाइलॉक कह रहा है? तो उसने बोला, हाँ, मैंने 1 पाउंड कलेजे का टुकड़ा देने के लिए शर्त रखी थी। अब मेरे पास धन नहीं है, तो मैं उसका धन नहीं चुका पा रहा हूँ। उस वकील ने भी शाइलॉक से बहुत क्षमा याचना करी, पर वह टस्सेमस नहीं हुआ। एंटोनियो ने अंतिम समय जानकर अपने दोस्त से गले मिलकर विदाई ली। न्यायाधीश ने आदेश सुनाया कि एंटोनिया अपने कलेजे का मांस देने के लिए तैयार हो जाओ। पर वकील ने बोला, सावधान शाइलॉक, तुमने 1 पाउंड मांस लेने के लिए बोला है। ध्यान रखना कि 1 पाउंड से ना ज्यादा हो और ना ही कम हो, और जो तुम कलेजा काटो तो 1 बूंद खून की गिरने नहीं चाहिए। शाइलॉक का ये सुनकर सिर चकरा गया। वह सोचने लगा, ऐसा तो शर्त में कुछ भी नहीं था, यह तो बड़ा ही अजीब संकट था कि मांस काटने पर बिना खून गिरे और ठीक 1 पाउंड वजन। तो ये शाइलॉक को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वकील से कहा कि मैं सारा ऋण इसका माफ करता हूँ, आप मुझे बस मेरा धन दिलवा दीजिए। जब शाइलॉक बहुत गिड़गिड़ाया तो एंटोनियो के कहने पर वकील से उसे क्षमा करवा दिया, साथ ही उसका धन देकर उसका ब्याज चुकता कर दिया। इस प्रकार देखिए वकील ने कैसे बुद्धिमानी से एंटोनियो के प्राण बचाए। बच्चों, क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि वह चतुर और बुद्धिमान वकील कौन था जिसने कोर्ट में अचानक से प्रवेश किया था? वह थी पोर्शिया, बेसोनियो की पत्नी, जिसने वकील का भेष भर के एंटोनियो के प्राण बचाए।